और रेट की बात करें तो मात्र 18,000 रुपए में डिस्कवर। इसकी रेट की बात करें तो मात्र ये 22,000 रुपए में आ जाने वाला है। 2023 की मॉडल की गाड़ी है, मात्र 3500 किलोमीटर चला हुआ, बिल्कुल नया गाड़ी पे आपको देने वाला। रेट की बात करें तो मात्र 25,000 रुपए में आ जाएगा। 25,000? बहुत लोग सेकंड हैंड लेते हैं तो इंजन का डाउट होता है। इंजन के लिए हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं, इंजन पेपर का कोई दिक्कत नहीं है, इंजन और पेपर पे दोनों का 2 महीना। इसकी रेट की बात करें तो मात्र 28,000 रुपए में ही आ जाएगा। मात्र 38,000 रुपए में 2019 की मॉडल की गाड़ी। क्या आप रांची से सेकेंड हैंड में गाड़ी खरीदना चाहते हो? टू व्हीलर और बजट होना चाहिए कम और नया मॉडल में, इसके अलावा फाइनेंस में मिल जाए तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ रांची के रांची मोटर में, जहाँ पे आपको मिलता है फाइनेंस में सेकेंड हैंड बाइक और स्कूटी। अगर आप लेना चाहते हो, फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप मेरे वीडियो को एंजॉय करोगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ के ऑनर से आपको मिलवाते हैं और आज का धमाल कलेक्शन आपको दिखाते हैं। आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पूजो ब्लॉग में। हाल चाल क्या है? बढ़िया है, मौसम बढ़िया हो गया रांची का और रांची मोटर में स्टॉक भी अपडेट हो गया है, अच्छा खासा बाइक कलेक्शन एंड स्कूटी आया और वो सारा आया है नया मॉडल में। एक बार एड्रेस बता दीजिए, बहुत लोग नए हैं। ये हमारा रांची पे कांटा टोली पे है, कांटा टोली से जमशेदपुर जाने वाली रोड पे आधा किलोमीटर आगे बढ़िएगा, यूनियन बैंक पड़ता है, उसके जस्ट अपोजिट में हमारा रांची मोटर। ओके, ऑन रोड आपको मिलता है, फिर भी कंफ्यूजन होगा तो स्क्रीन पे यहाँ का नंबर होगा, आप कॉल करके भी विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में क्या नया कलेक्शन मिलेगा देखने को? नया कलेक्शन पे हर तरह का बाइक आया हुआ है, स्कूटी है, बुलेट है, सारा कुछ अभी हम लोग दिखाने वाले हैं और सारा लेटेस्ट मॉडल में। हाँ, सारा लेटेस्ट, क्योंकि देखने में स्टॉक ऐसा लग रहा है कि जस्ट ना एक कुछ ही महीने का गाड़ी आपको देखने को मिलेगा, तो बिना देर के चलो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइडर दिख रही है, इसके बारे में जी, ये 2023 की राइडर है, 6,000 किलोमीटर चला हुआ है। मात्र 6,000? जी मात्र 6,000। क्या बजट में? और बजट की बात करें तो मात्र 85,000 में ही आने वाला है। 85,000 में आपको मिल रहा है, मात्र 6,000 किलोमीटर रनिंग के साथ है। टायर वगैरह आप देख सकते हो और इस पे सर बहुत लोग सेकंड हैंड लेते हैं तो इंजन का डाउट होता है। इंजन के लिए हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं, इंजन पेपर का कोई दिक्कत नहीं है, इंजन और पेपर पे दोनों का 2 महीना, यानी 2 महीना का आपको मिलने वाला है गारंटी और पेपर फुल अप टू डेट के साथ आपको मिलेगा। दूसरी बाइक के बारे बताइए। दूसरी है पल्सर 125 है, ये 2021 की गाड़ी है, पर ये गाड़ी चला हुआ मात्र 3,000 किलोमीटर। मात्र 3,000? 21 का मॉडल है उसके बावजूद? हाँ, ओरिजिनल 3,000 किलोमीटर चला हुआ है। आपको दिखा देंगे मीटर में भी, बहुत लोगों को डाउट होता है कि मीटर लगा के दिखाइए, तो आप देख सकते हो ये फुल अपडेट आपको मिलने वाला है। गाड़ी देख सकते हो इसके मीटर में आपको दिख रहा है, जितना सर ने बताया उतना ही किलोमीटर की रनिंग के साथ होगा। बजट क्या आएगा इसका सर? बजट की बात करें तो इसे मात्र 80,000 में देने वाला है। 80,000 में दे देंगे? जी हाँ, बिल्कुल नया गाड़ी है, एकदम शोरूम कंडीशन में। बिल्कुल शोरूम कंडीशन में, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आज के जो वीडियो में कलेक्शन देखने को मिलेगा वो सारा लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत कम रनिंग के साथ, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है ये अपाची है, 180 है, 2020 का है, BS6 में है और 15,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये 15,000 मात्र? हाँ। और BS6 में है। सबसे बड़ी बात है कि BS6 का मॉडल आप लोग ढूंढते हो, क्या बजट में आएगा? बजट की बात करें तो मात्र 82,000 रुपए में आने वाला। 82,000 सारा फर्स्ट ओनर होने वाला, सारा फर्स्ट ओनर और सारा ज्यादातर आपको रांची रजिस्टर्ड नंबर प्लेट के साथ ही देखने को मिलेगा, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है ये NS200 है, जो काफी डिमांडेड है बाजार पे, अभी बहुत ज्यादा मतलब क्रेज है। 2020 की गाड़ी है, 23,000 किलोमीटर चला हुआ है, टायर वगैरह की बात करें तो बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। टायर वगैरह आपको नया मिलेगा, इंजन का कोई पार्ट ना तो छेड़छाड़ किया हुआ, सीट की कंडीशन भी आपको सही है। बजट क्या होगा? बजट की बात करें तो मात्र 1,10,000 रुपए में। 1,10,000 में दे देंगे? हाँ। चलिए, आप लोग ढूंढ रहे थे इतना बजट, अगर आपका है तो आप यहाँ से ले सकते हो और इतना नहीं है ना तो आप फाइनेंस में ले सकते हो। कितना दे के इसको ले जा सकते हैं? अगर इसको दे मतलब कि 30-35,000 रुपए का डाउन पेमेंट में इसे दे दूंगा। अगर आपका 1,10,000 का बजट अभी नहीं है और लेने का मन बना लिए हो तो मात्र 30-35,000 लेकर आइए और इस बाइक को आप घर लेकर जाइए, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट ये R15 है, 2021 की मॉडल की गाड़ी है,
और रनिंग की बात करें तो मात्र 14,000 किलोमीटर चला हुआ है, टायर से लेकर हर कुछ A1 गुड कंडीशन पे गाड़ी है। बजट क्या होगा सर? बजट की बात करें तो मात्र 1,25,000 रुपए। 1,25,000 है तो मान के चलिए कि आप इसको भी फाइनेंस में ले सकते हो, कम से कम 30,000 रुपए दे के भी आप ले सकते हो। हाँ, इसमें मतलब की 40 से 45,000 रुपए का डाउन पेमेंट में इसको आप ले जा सकते हैं। इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है ये पल्सर 150 है, 2019 की मॉडल की गाड़ी है और रनिंग की बात करें तो ये चला हुआ है 20,000 किलोमीटर। मात्र 20? जी हाँ, मात्र 20,000 किलोमीटर। क्या बजट में आएगा? और बजट की बात करें तो मात्र ये 55,000 रुपए में आने वाला। केवल 55,000 और ये भी आप फाइनेंस में ले सकते हो। अभी मैं आपको स्कूटी का कलेक्शन दिखाऊंगी, स्कूटी के लिए भी बहुत लोग डिमांड किए थे। पहली स्कूटी है सर, इसके बारे बताइए। 2018 मॉडल की एक्टिवा 5G है, चला हुआ का बात करें तो 11,000 किलोमीटर चला हुआ है। 11,000? जी हाँ। क्या बजट में आएगा? और बजट की बात करें तो मात्र ये 45,000 रुपए में आने वाला। 45,000? जी हाँ। इसके बगल में जो स्कूटी है इसके बारे में। नेक्स्ट है ये एक्टिवा 5G 2020 की है, जो कार्बोरेटर में 5G जो एकदम लास्ट गाड़ी है, काफी डिमांडेड गाड़ी है ये और डिजिटल मीटर के साथ में है। और चला हुआ का बात करें तो ये 10,000 किलोमीटर के समथिंग कुछ चला हुआ है। और रेट की बात करते हैं तो मात्र 60,000 रुपए में ही आ जाएगा। ये आपको मिलेगी 60,000 में डिजिटल मीटर के साथ और बहुत कम रनिंग के साथ भी है, फुल कंडीशन में, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है ये एविएटर है, 2018 के मॉडल की गाड़ी है और गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है। और गाड़ी की रेट की बात करें तो मात्र 42,000 रुपए में 2018 के मॉडल की गाड़ी है। 42,000 में? जी हाँ, बिल्कुल फ्रेश। ये रेड वाली स्कूटी के बारे में बताइए। हीरो मैस्ट्रो एज है, 2016 के मॉडल की गाड़ी है और रेट की बात करते हैं तो मात्र 38,000 रुपए में ये मिल जाएगा। 38,000 डुइट दिख रहा है, इसके बारे में बताइए। 2018 मॉडल की डुइट है और बड़ी काफी बढ़िया कंडीशन पे गाड़ी है और रेट की बात करें तो मात्र 40,000 रुपए में ही आ जाएगा। 40,000 में अगर आपका बजट कम है तो आप इसको 10,000 डाउन पेमेंट करके ले सकते हो। जी हाँ। नेक्स्ट है वो एक्टिवा है, नॉर्मल एक्टिवा है, जो 2014 की मॉडल की गाड़ी है और इसकी रेट की बात करें तो मात्र 28,000 रुपए में ही आ जाएगा। 28,000। अब मैं आपको वो दिखाऊंगी जिसके लिए बहुत ज्यादा सेकंड हैंड में डिमांड होता है, बुलेट का क्लासिक 350 और वो भी ब्रांड न्यू कंडीशन में होने वाली है, इसके बारे में बताइए सर। 2023 की मॉडल की गाड़ी है, मात्र 3500 किलोमीटर चला हुआ, बिल्कुल नया गाड़ी पे आपको देने वाला। रेट की बात करें तो मात्र 2,20,000 रुपए में से मैं दे दूंगा। 2,20,000 में मिल रहा है और बहुत कम चला हुआ है, रांची रजिस्टर नंबर प्लेट के साथ फर्स्ट ऑनर होने वाली है, जस्ट लाइक शोरूम कंडीशन में। अगर आप बाकी बात सारा एसेसरीज तो भी लगा हुआ है इसके। सारा लगा हुआ है? सारा एसेसरीज लगा हुआ है। एसेसरीज लगवा के अगर आप शोरूम से खरीदते हैं तो 2,72,000 रुपया पड़ रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे 2,20,000 रुपये में मिल। तो आपको मिल रहा है 2,20,000 में। 2,72,000 का अगर आपका बजट है तो आप शोरूम में स्विच कर सकते हो, और अगर आपका बजट है कम और वैसा ही बुलेट खोज रहे हो जो कि आपको कम बजट में मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट है ये 2020 की होंडा की एक्टिवा 5G है और इसकी रनिंग की बात करें तो ये चला हुआ है 15,000 किलोमीटर। क्या बजट में आएगा सर? और बजट की बात करें तो ये भी 60,000 में। 60,000 में मतलब 20,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप इसको दे के ले सकते हो। डीओ के बारे बताइए। नेक्स्ट ये होंडा की डीओ है, डिलक्स है, डिजिटल मीटर में है और 2018 के मॉडल की गाड़ी है और रेट की बात करें तो मात्र 55,000 रुपए में ही आ जाएगा। ये भी 55,000 में। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टार्ट कंडीशन, तो सारा आपको स्टार्ट कंडीशन में मिलता है, ऐसा नहीं कि जैसे आपको रखा हुआ मिल रहा है। नेक्स्ट ये 2018 की होंडा की एक्टिवा 125 है जी और रेट की बात करें तो मात्र 40,000 रुपए में ही आने वाला है। 40,000? जी हाँ, मात्र 40,000 में। चलिए एविएटर भी दिख रहा है, ये कितने में आएगा? 2017 की मॉडल की गाड़ी है और रेट की बात करें तो मात्र इसे 38,000 रुपए में देने वाला है। 38,000। डेस्टिनी 125 ये 2019 की मॉडल की गाड़ी है और रेट की बात करें तो मात्र 38,000 रुपए में 2019 की मॉडल की गाड़ी। एक्टिवा 4G है, 5G तो देखे हम लोग, 4G भी है। 2018 की मॉडल की एक्टिवा 4G है, काफी बेहद बढ़िया कंडीशन पे गाड़ी है, 17,000 किलोमीटर चला हुआ है, टायर दोनों आगे पीछे नया है और रेट की बात करें तो मात्र 42,000 रुपए में ये गाड़ी मिल जाएगी। 42,000? जी हाँ। नेक्स्ट है ये एविएटर है, 2015 की मॉडल की गाड़ी है और रेट की बात करें तो मात्र 25,000 रुपए में ही आ जाएगा। 25,000 दे के ले? जी हाँ, मात्र 25,000 रुपए दे के ले जा सकते हैं। अभी मैं बाहर का कलेक्शन दिखा रही हूँ, अंदर का आपने देख लिया। डिस्कवर के बारे बताइए सर। डिस्कवर है 2011 की मॉडल की गाड़ी है और रेट की बात करें तो मात्र 18,000 रुपए में डिस्कवर है। 20,000 से कम का बजट में आपको मिलने वाला है ये डिस्कवर, लेकिन मॉडल है 11 का, फुल कंडीशन में। ग्लैमर कब का है? 2017 की ग्लैमर है। क्या बजट में? और बजट की बात करें तो मात्र 42,000 रुपए में ही आ जाएगा। 42,000 में, इसके बारे बताइए। नेक्स्ट है 2017 की मॉडल की ड्यूक है
और रेट की बात करें तो मात्र 32,000 में आ जाएगा। क्या बात है, एंटॉर्क के बारे में? 2021 की एंटॉर्क है, रेट की बात करें तो मात्र 82,000 रुपए में आने वाला है। इसके बारे में बताइए। होंडा की एविएटर है, 2019 की मॉडल की गाड़ी है और रेट की बात करें तो मात्र 42,000 में आने वाला है। एक और ब्लैक कलेक्शन, होंडा की एक्टिवा 125 है और रेट की बात करें तो मात्र 45,000 में आने वाला है। 45,000 जी हाँ, बहुत अच्छा है। इसके बारे में, होंडा की एक्टिवा 4G है, 2017 की मॉडल की गाड़ी है, रेट की बात करें तो मात्र 40,000 में ही आ जाए। 40,000, इसके बारे में बताइए। होंडा की एक्टिवा 5G है, 2018 की मॉडल की गाड़ी है और रेट की बात करें तो मात्र 40,000 रुपए में 18 मॉडल की 5G। 5G 40,000 मॉडल है 18 का, याद रखिएगा। मेस्ट्रो दिख रही है, सीट कवर कंडीशन अच्छा नहीं है, ये आपको चेंज करके मिलेगा। क्या बजट? सीट कवर मडगार्ड जो टूटा हुआ है ये हम लोग चेंज करवा के देंगे। ये गाड़ी आज ही आई है तो कम्प्लीट हो नहीं पाया। इसकी रेट की बात करें तो मात्र ये 22,000 रुपए में आ जाने वाला है। ओके, अगर बजट है कम, मेस्ट्रो ढूंढ रहे हो, बजट होना चाहिए 20-25-30 हजार, तो ये 22,000 में आपको केवल मिलेगा। सर कलेक्शन बहुत अच्छा था और जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेटेस्ट मॉडल वगैरह आया हुआ है और बजट कम है, फाइनेंस में अगर कोई लेना चाहता है तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 30-35% का डाउन पेमेंट लगता है, बाकी बात फाइनेंस हम लोग आईडीएफसी से करवाते हैं। कितना मंथ का ऊपर का गाड़ी फाइनेंस में होता है? 2016 से ऊपर की जो भी गाड़ी रहेगी उसे मैं फाइनेंस करवा दूंगा। याद रखिएगा 2016 के ऊपर। आज तो मैंने बहुत सारी गाड़ी आपको दिखाई जो कि सारा का सारा 16 से ऊपर था, यानी कि 18 से स्टार्ट होकर 23 मॉडल तक की गाड़ियां आपको आज मैंने दिखाई और जो कि आप 35% डाउन पेमेंट में ले सकते हो। क्या पेपर लेकर आना होगा? अगर फाइनेंस करवाना है तो 4 डॉक्यूमेंट आपको लेके आना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, एटीएम कार्ड, 4 डॉक्यूमेंट लेके आइए, फाइनेंस हम आईडीएफसी से करवा देंगे। और अगर कैश में लेते हैं तो ट्रांसफर चार्जेस का क्या लगेगा? कैश में लेते हैं तो 3,000 से 4,000 रुपए का ट्रांसफर चार्ज लगता है और फाइनेंस में लेते हैं तो 5,500 रुपए नाम ट्रांसफर में पैसा लगेगा, वो अलग से लगने वाला है। तो आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में।